नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आलू तो आपने बहुत तरीके से बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन आज हम आलू बनाने का ऐसा तरीका लेकर आए हैं जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा और आपका झटपट बनाने का मन कराएगा। ये आलू घर के हर सदस्य, चाहे वो बड़े हों छोटे हों, सबको बहुत ही पसंद आएगा, जिसे आप चपाती, परांठे, पूड़ी किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने आलू ले लिए हैं। ये मेरे पास बड़े साइज के आलू भी थे, मैंने वो भी लिए हैं। मीडियम साइज के आलू भी थे, मैंने वो भी लिए हैं। आप इस रेसिपी को किसी भी साइज के आलू से बना सकते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। और ये ग्राम के हिसाब से ये 600 ग्राम के करीब आलू हैं। मैंने कुकर में ना दो विसल में आलुओं को उबाला है, ओवर कुक नहीं करना है। अभी मैंने इसको छीला नहीं है। मैं एक रोस्टर ले रही हूँ, उसके ऊपर इन आलुओं को रख देंगे और गैस को ऑन कर देंगे और मीडियम गैस पर इसको अलटते पलटते हुए थोड़ा सा भून लेंगे आलूओं को। देखिए, इसे करने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारे 2 से 3 मिनट लगेंगे। ये देखिए, ये हो गए हैं, आप देख पा रहे होंगे इस पे जो है ना ये काली काली चित्री आ गई है। हम गैस को बंद कर इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ले लेंगे एक छोटा पैन, गैस ऑन कर लेंगे। इसमें मैं डाल रही हूं 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूं सौंफ, 1/2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूं जीरा। मैंने ली थी 2 सूखी लाल मिर्ची, उसको 2 भागों में तोड़ लिया था, वो डाल रही हूं। अब गैस को हमने मीडियम करते हुए ना इसको थोड़ा सा भुनना है, 1 से 2 मिनट के लिए। ज़्यादा हमने इसको काला नहीं करना है, हल्का हल्का भुनना है, जो इसकी नमी है ना वो ख़त्म हो जाए। देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये हो गया है। अब हम गैस को बंद करके इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। देखिए, ये जो आलू है ना वो भी ठंडे हो चुके हैं। अब इसको हम छील कर तैयार कर लेंगे। आप चाहे हाथों से छील लें या आराम से छील जाएंगे, नहीं तो आप चक्कू से छील कर भी तैयार कर सकते हैं। देखो, आलू को छीलने के बाद हम इसे छोटा छोटा काट लेंगे। ऐसे थोड़ा सा ना भुनने से ना आप देखेंगे कि आलूओं में एक अलग सा टेस्ट आएगा, बहुत ही बढ़िया वाला स्मोकी फ्लेवर आएगा। देखिए, सारे आलूओं को हमने काट कर तैयार कर लिया है और जो मसाला था ना उसको मैंने कटोरी में निकाल लिया था, ये ठंडा हो गया है, इसको भी हम पीस लेंगे। देखिए, इसको हमने बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा पीसना है इस ढंग से। अब लेंगे एक कढ़ाई, गैस ऑन करेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ स्मोक्ड मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल को तेज गर्म करके मैंने ठंडा कर लिया था, मैं वो थोड़ा सा डाल रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डालें, थोड़ा सा डालें, उसे गर्म कर लें। ऐसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ जीरा। पहले थोड़ा सा चला देंगे, जीरा अच्छे से फूल जाए। मैंने लिए थी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, वो डाल रही हूँ। नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं 1/2 टीस्पून अभी नमक डाल रही हूँ। दोनों को अच्छे से मिक्स कर दें। मैंने एक हरी मिर्ची ली थी, मैंने कम तीखी वाली हरी मिर्ची ली थी, मैं वो डाल रही हूँ छोटा छोटा काट के। हरी मिर्ची ध्यान से डालें, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो भी हरी मिर्ची ध्यान से डालें। अब इसके साथ ही मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर और डाल दूंगी मसाला जो हमने तैयार किया है। मैंने पूरा पूरा मसाला बनाया है, जितना इस आलूओं में यूज होगा। मिक्स कर दें। अब इसमें हमने आलूओं को भी डाल देना है। पहले तो बहुत अच्छे से मिक्स करें। ये बहुत अच्छे से मसाला मिक्स हो चुका है। मैं गैस को कर दूंगी लो मीडियम और इसको ढक दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए, 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले तो थोड़ा सा चला देंगे। जो मसाले हैं ना आलूओं में अच्छे से समा गए हैं, कोट हो चुके हैं। ये सब्जी बनकर तैयार है। हम गैस को बंद कर देंगे और डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया।
आप एक बार इस तरीके से आलू जरूर बनाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।